पंजाब के अजनाला में कल पूरे दिन बवाल, थाने में कब्जा, आज लवप्रीत रिहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी बैक। वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के साथ ही लवप्रीत तूफान अब कुछ ही देर में रिहा कर दिए जाएंगे। अजनाला कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए हैं। इससे पहले एसएसपी ने कहा था कि तूफान ने सबूत पेश किए कि वह मौके पर मौजूद नहीं थे, हमने इसे कोर्ट में जमा कर दिया है। अमृतपाल के साथ ही पप्पलप्रीत सिंह ने कहा कि अमृतपाल निजी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वे सिख कौम की लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि तूफान की रिहाई के बाद उनके सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकने भी जाएंगे। वहीं वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने कहा कि खालिस्तान के हमारे उद्देश्य को बुराई और वर्जित के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, इसे बौद्धिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि इसके भू राजनीतिक लाभ क्या हो सकते हैं। ये एक विचारधारा है और विचारधारा कभी नहीं मरती। हम दिल्ली से कुछ भी नहीं मांग रहे। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि वारिस पंजाब दे के संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के साथियों पर दर्ज मामले की आज अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी करेगी। पुलिस के इस आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने थाने के बाहर धरना जारी रखा। पंजाब पुलिस बॉर्डर जोन के आईजी मुनीश चावला और अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी सतिंदर सिंह का कहना है कि वारिस पंजाब दे के प्रतिनिधियों के साथ पुलिस अधिकारियों की बैठक हो गई है। संगठन के जो कार्यकर्ता, उन्होंने धरना वापस लेने की भी बात मान ली है और आश्वासन दिया कि कार्यकर्ता किसी भी तरह माहौल खराब नहीं करेंगे। क्या है मामला ये भी जान लेते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 17 फरवरी को अमृतपाल सिंह और उसके 6 साथियों और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना अजनाला में पुलिस ने वरिंदर सिंह नाम के एक युवक के बयान पर मामला दर्ज किया था। वरिंदर सिंह ने आरोप लगाया था कि अमृतपाल और उसके साथियों ने उसका अपहरण किया, मारपीट की और उसके ककारों की बेअदबी की, उसकी धनराशि भी लूट ली। इस मामले में पुलिस ने अमृतपाल के साथियों को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी थी। वहीं गुरुवार को अमृतपाल ने पंजाब भर के अपने समर्थकों को थाना अजनाला पहुंचने का आह्वान किया था, जहां पर हंगामा भी किया गया था, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए थे। जब पुलिस ने अमृतपाल के समर्थकों को थाने की तरफ बढ़ने से रोका तो लाठियों, गंडासों, तलवारों और राइफलों व भालों से लैस होकर आए लोगों ने बैरिकेड तोड़ डाले। वहीं पुलिस कर्मचारियों के साथ हिंसक झड़प करते हुए थाना परिसर में भी घुस गए। इसी दौरान अमृतपाल के गांव जल्लू खेड़ा से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप वाली गाड़ी थाने पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि अमृतपाल पावन स्वरूप वाली गाड़ी साथ लेकर आया था। हमने श्री गुरु साहिब जी के स्वरूप की मर्यादा को मुख्य रख कर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। उल्लेखनीय है कि पटियाला हिंसा और पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला, शिवसेना नेता सुधीर सूरी और डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की हत्या जैसी घटनाओं से पंजाब की कानून व्यवस्था पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से जुड़ेंगे खबर से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।